पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी लोपामुद्रा राउत, जो हेमंत हेगड़े की ब्लड स्टोरी नाम की फिल्म से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने को तैयार हैं, उन्होंने मुंबई में अपनी फिल्म का पहला पोस्टर लॉन्च किया। दरअसल यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। पोस्टर लॉन्च के दौरान जब लोपा से पूछा गया कि उन्होंने पहली फिल्म के रूप में इस थ्रिलर फिल्म को ही क्यों चुना, तो उनका कहना था, The story revolves around four characters. So I'm one of the four lead characters. And it is a suspense thriller. It is something, when I was listening to the story, he's very smart. You know what he did? He narrated me the half story first. And every time I met him, I asked him, what is the other half? You have to tell me. Because every time I kept thinking, when I thought about the movie, what would have possibly happened after that? Iske baad kya hua hoga? Aur wo sawal jo mere man mein tha, मैंने एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव देखा, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू सोचा, और मैंने सोचा दिस इज एक्चुअली अ गुड प्रोजेक्ट टू बी इन, बिकॉज इट कीप्स यू सो इंट्रीग्ड। एवरी टाइम ही वाज नरेटिंग अ स्टोरी, आई वाज लाइक दिस ऑन द एज ऑफ द सीट थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने वाला। एंड एवरी टाइम आई एक्सपेक्टेड समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट हैपेंड। सो नथिंग लाइक अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, यू नो। एंड आई इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर व्हिच जनरली ऑलवेज डज वेल। सो I'm very happy to be a part of it and I'm very 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 excited. लुक्स की बात करें तो लोपा पिंक ड्रेस में हमेशा की तरह काफी खूबसूरत लग रही थी। INS रिपोर्ट।